दोस्तों, आपने आखिरी बार अपने स्मार्टफोन को बिना इंटरनेट के कब यूज किया था? मुझे तो नहीं याद, शायद आपको भी नहीं याद होगा, क्योंकि इंटरनेट एक तरह से बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी बन गई हमारी। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। और ये जियो के आने के बाद और भी ज्यादा ट्रू और एक्सेसिबल हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम अपने फोन को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली दो तरीकों से अपने फोन को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, अपने मोबाइल इंटरनेट मोबाइल फोन के मोबाइल डेटा का यूटिलाइजेशन करें, जहां पे 2G से लेके 5G तक सारी चीजें पिक्चर में आती हैं। और दूसरा तरीका होता है, आपने घर के ब्रॉडबैंड से वाईफाई के जरिए कनेक्ट करें अपने फोन को इंटरनेट से, और वो भी एक काफी रिलायबल, काफी सेफ एंड सिक्योर तरीका है इंटरनेट एक्सेस करने का। और आज के वीडियो में इसी वाईफाई के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे वाईफाई 6 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि हम अपने फोन को इंटरनेट से दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम अपने फोन का मोबाइल डेटा यूज करें जहां पे 2G से लेके 5G तक सारी चीजें होती हैं, और दूसरा तरीका होता है हम अपने घर के ब्रॉडबैंड से अपने फोन को वायरलेसली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और वाईफाई एक सेफ और रिलायबल तरीका होता है, और साथ में क्योंकि वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो वहां पे कोई डेटा कैप नहीं होती जैसे कि हमारे टिपिकल मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के साथ होती है। जैसे आपको मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे की लिमिट होती है। तो जिन एप्लीकेशंस में आपको डेटा बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करना होता है, जैसे वीडियो कॉल्स हो गई या फिर गेमिंग हो गया, तो वहां पे मोबाइल डेटा शायद कम पड़ जाए आपको पूरे दिन के लिए। इसलिए ब्रॉडबैंड एक ज्यादा फिजिबल सॉल्यूशन की तरह सामने आता है, और ब्रॉडबैंड के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करना एक ज्यादा फिजिबल तरीका बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और आपके पास MBPS में स्पीड आ रही होती है, और थोड़ा सा आप हिलते डुलते हो इधर उधर किसी साइड में, और अचानक ये स्पीड ड्रॉप हो जाती है KBPS में, और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर उस वक्त कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो आपका एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो काफी बुरी तरह से हैम्पर हो सकता है, और ये ओवरऑल एक काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है और मूड स्पॉइलर भी हो सकता है आपके लिए। तो इस तरह की चीजों से निपटने के लिए लोग ज्यादातर वाईफाई पे कनेक्ट होके गेमिंग और वीडियो कॉल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहला, वाईफाई में कोई डेटा कैप नहीं होती। जनरली आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या डेटा कैप होगी उसकी, और दूसरा, यहाँ पे कनेक्शन काफी रिलायबल होता है। यहाँ पे लेटेंसी जो कि हम मिलीसेकंड्स में नापते हैं, जो प्यार से आप पिंग भी कह सकते हो, जो आपको आपने पबजी मोबाइल की स्क्रीन में दिखता है नीचे, जो 20-30-40 मिलीसेकंड आता है मुझे मुंबई में, पर बाकी लोग जिनको 200-300 आता है वो दे माइट बी फीलिंग जरस। तो लेटेंसी काफी अच्छी, काफी कम मिलती है, रिलायबिलिटी काफी अच्छी होती है, और डेटा कैप नहीं होती। ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं अपने स्मार्टफोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के। बेसिकली वाईफाई है क्या? वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सके वायरलेसली। वायरलेसली किसी लोकल एरिया नेटवर्क को होस्ट करने के लिए वाईफाई का यूज करते हैं। वाईफाई बेसिकली काम करता है IEEE के 802.11 स्टैंडर्ड पे, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पे, और वाईफाई अलायंस एक अलायंस है, एक ग्रुप है जो वाईफाई की सर्टिफिकेशन देता है अप्लायंसेस को, जैसे कि आपका फोन हो गया या फिर राउटर वगैरह हो गया, इनका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वाईफाई अलायंस के थ्रू मिलता है। तो रिसेंटली वाईफाई अलायंस ने अपने वाईफाई के 6th जनरेशन में इसका नॉमेनक्लेचर काफी सिंपल कर दिया है, और इसका नाम बेसिकली वाईफाई 6 है इसकी 6th जनरेशन का, जो कि टेक्निकली 802.11ax पे काम करता है, जो जिसका टेक्निकल नाम 802.11ax है, इसको सिंप्लीफाई करके वाईफाई 6 कर दिया, और इसके पहले वाले जनरेशन का नाम भी वाईफाई 4, 5, 6 ऐसे कर दिया। और वाईफाई 6 के साथ चार ऐसे की एरियाज हैं जहां पे पिछले वाले स्टैंडर्ड से इंप्रूवमेंट नोटिस करना है, और ये 6 की टेक्नोलॉजीज की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। पहला है हायर डेटा रेट्स, मतलब कि ज्यादा तेजी से डेटा को ट्रांसमिट करना, जो कि पॉसिबल होगा ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि OFDMA और 160 MHz चैनल यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी के थ्रू। दूसरा की एरिया है इंक्रीज कैपेसिटी, मतलब पर साइकिल ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर पाना, जो कि पॉसिबल होगा ट्रांसमिट बीम फॉर्मिंग और 1024 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मोड के जरिए। तीसरा स्ट्रेस एरिया है परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंट्स विद मेनी कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ नेटवर्क पे कनेक्टेड है, जैसे कि कोई स्टेडियम हो गया, क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, या फिर कोई मूवी हॉल हो गया, या फिर आपके लोकल जो कॉफी शॉप वगैरह होती है वहां पे जो वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में जो वाईफाई की क्वालिटी होती है, जो डेटा की स्पीड आपको मिल रही होती है, डेटा थ्रूपुट मिल रहा होता है, नेटवर्क की जो क्वालिटी होती है वो काफी हैम्पर होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे फोकस होगा IoT डिवाइसेस में। मैं IoT पे पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं,
और आईओटी पे स्टीव आई गेस आई थिंक कंप्यूटर्स आर जस्ट इन देयर इन्फेंसी टुडे सो मे बी दे कम दिस फार इन द लास्ट 30 इयर्स एवरीवन हैविंग अ कंप्यूटर इजंट इनफ एनीमोर we have to have them start to work together to do some amazing things. ये जो performance improvement in many connected devices है वो जो technology के through achieve किया जाएगा that is many user memo basically multiple users multi input multi output ये technology का नाम है इसके जरिए इसे इसे achieve किया जाएगा साथ ही साथ जो आखिरी fourth की area है वो है improve power efficiency. वाईफाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन्स के लिए ज्यादा काफी काफी यूजफुल है तो स्मार्टफोन्स हमारे बैटरीज पे ऑपरेट करते हैं और बैटरीज को जितनी अच्छी तरीके से जितनी किफायत से आप यूटिलाइजेशन कर पाओगे उतनी ज्यादा आपको बैटरी लाइफ मिलेगी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा. तो इस इंप्रूव पावर एफिशिएंसी को अटेन किया जाएगा टारगेट वेक टाइम TWT टेक्नोलॉजी के जरिए. फाइनली वाईफाई 6 को यूटिलाइज करने के लिए वाईफाई 6 का फायदा उठाने के लिए दोनों होस्ट और क्लाइंट दोनों को वाईफाई 6 सर्टिफाइड होना चाहिए यानी कि आपका होस्ट जो है वो आपका राउटर है वो भी वाईफाई 6 सर्टिफाइड होना चाहिए और जो आपका क्लाइंट है यानी कि आपका स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप वगैरह उसका लैपटॉप आपके लैपटॉप और पीसी का जो वायरलेस कार्ड है वो दोनों को वाईफाई 6 सर्टिफाइड होना चाहिए और इसकी शुरुआत एप्पल अपने आईफोन 11 सीरीज के साथ कर चुका है. आईफोन 11 सीरीज वाईफाई 6 सर्टिफाइड है. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन वाईफाई 6. आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपके पास कोई शिकायत या सुझाव है. वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम डिलीवर होते रहे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्कार. हैव अ ग्रेट डे.